आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलोरा के कैलाश मंदिर का क्या रहस्य है। हमारे भारत में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो सुंदर, समृद्ध व खूबसूरत है, परंतु भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जो अपनी खूबसूरती के पीछे कई सारे रहस्यों को दफन किए हुए है। ये मंदिर भारत के 8वें अजूबे से कम नहीं है। आज हम आपको उन सभी रहस्यों से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैलाश नाथ मंदिर के वो कौन से रहस्य हैं जो इस मंदिर को सबसे अलग बनाते हैं और जिनका पता साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं अज्ञात बात YouTube चैनल, जहां पर हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़े अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय किस्से और कहानियां लेकर के आते हैं। अगर आपको भी ऐसी कहानियों में दिलचस्पी है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपसे जुड़े रहे और ये सारी रोचक जानकारी आप तक पहुंचा सके। कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफा नंबर 16 में स्थित है। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से सन 773 के दौरान बनवाया गया था। एलोरा में टोटल 100 गुफाएं हैं, जिसमें से 34 गुफाएं ही लोगों के लिए खुली है, बाकी गुफाओं में लोगों का जाना वर्जित है। भारत में एलोरा की गुफाएं काफी ज्यादा प्राचीन मानी जाती है। इस मंदिर को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला है। कैलाश नाथ मंदिर भगवान शिव के निवास स्थल को साक्षी मानकर उन्हीं के कैलाश पर्वत के भांति इसका निर्माण किया गया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैलाश मंदिर 276 फुट लंबा और 154 फुट चौड़ा है। इस मंदिर को एक बड़े से पहाड़ की चट्टान को काटकर तराशा गया है, जैसे कोई शिल्पकार किसी मूर्ति को बनाता है। इसके अलावा मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया था उसका वजन करीब 40,000 टन से ज्यादा है। इस मंदिर के निर्माण में करीब 18 साल लग गए, लेकिन इस मंदिर पर जो चित्रकला हुई है उसे देखकर तो लगता है जैसे इसको संपन्न होने में सहस्त्र वर्ष लगे होंगे। इस चट्टान को सबसे पहले यू आकार में काटा गया और करीब 2,00,000 टन चट्टान को हटाया गया। आम तौर पर पत्थरों से तराशा जाने वाला मंदिर सामने की ओर तराशा जाता है, परंतु यह 90 फीट ऊंचा कैलाश मंदिर का रहस्य ही कुछ ऐसा है कि ये ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। ये मंदिर पूरे विश्व में एक ही पत्थर से तराशी जाने वाली सबसे अद्भुत संरचना है। मंदिर की अद्भुत नक्काशी व वास्तुकला में पल्लव और चालुक्य शैली नजर आती है। पुरातनविदों के अनुसार इस मंदिर को बनाने में लगभग 150 वर्षों या इससे भी अधिक लगने चाहिए। जिस काल में इसका निर्माण किया गया उस समय न तो आधुनिक मशीनें थी, न कोई ऐसी कोई विशेष तकनीक, और आज के युग में भी इस प्रकार के मंदिर का निर्माण केवल 18 वर्षाएं में करना असंभव ही है। कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के निर्माण को लेकर लोगों की यह मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए भगवान शिव की अर्चना की और यह मन्नत भी मांगी कि राजा के स्वस्थ होने के बाद वह अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर के शिखर को देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ेंगी। उसके बाद जब राजा स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण की बारी आई, लेकिन रानी को यह बात से अवगत कराया गया कि मंदिर के निर्माण में काफी ज्यादा समय लगने वाला है, ऐसे में वर्षों तक का व्रत रख पाना असंभव है। तब रानी ने फिर से भगवान शिव की स्तुति की और उनसे सहायता मांगी। कहा जाता है तब भगवान शिव ने रानी को भूमि अस्त्र दिया। इस अस्त्र की विशेषता यह थी कि यह पत्थर को भी भांप बना सकता था।
इसी अस्त्र की सहायता से इस अद्भुत मंदिर का निर्माण इतने कम समय में हो पाया था। बाद में इस अस्त्र को धरा में नीचे छुपा दिया गया था। आज का विज्ञान भी इस प्रकार के मंदिर का निर्माण केवल कुछ वर्षों में नहीं कर सकता है। फिर उस युग में इसका निर्माण केवल 18 वर्षाएं में हुआ होगा, यह तथ्य आज भी एक रहस्य है। कैलाश मंदिर से जुड़े अनेक रहस्य उपस्थित हैं। आइए उन सभी रहस्य के बारे में जानते हैं। 7,000 मजदूरों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण 18 वर्षों में किया था, लेकिन इस बात को मानना मुमकिन ही नहीं है। आइए इस रहस्य के बारे में आपको बताते हैं। मान लीजिए मजदूरों ने 12 से 12 घंटे भी काम किया होगा तो 18 साल में 4,00,000 टन पत्थरों को निकालने के लिए हर वर्ष कम से कम 22,000 टन पत्थरों को निकाला गया होगा। इसका मतलब यह है कि 60 टन पत्थरों को हर दिन निकाला गया है, यानी 5 टन पत्थरों को हर घंटे निकाला गया होगा। इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सहस्त्र वर्ष पूर्व आधुनिक उपकरण तो हुआ ही नहीं करते थे, और इतने कम समय में इतनी बारीकी से अद्भुत इमारत को बनाना लगभग ना के बराबर ही है। इस मंदिर की बारीकी से की गई जांच के पश्चात ये पता चला कि शिल्पकारों ने इस पूरे मंदिर को सफेद रंग से ढक दिया था, ताकि ये कैलाश पर्वत की भांति नजर आए, और इसकी बनावट भी इतनी अद्भुत है कि कैलाश पर्वत से ही मिलती है। दो जांच के बाद सबसे बड़ा रहस्य यह निकल कर आया है कि जिन्होंने निर्माण किया या जिन्होंने निर्माण करवाया उनके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, और इस मंदिर का संपूर्ण निर्माण किस दिन किस तारीख को संपन्न हुआ इस बात को भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यह मंदिर एक ही चट्टान व पहाड़ को काट कर बतराश कर बनाया गया है, जिस कारण से इसकी कार्बन डेटिंग तकनीक द्वारा इसकी सही उम्र पता लगा पाना संभव नहीं है। 3. एक रहस्य यह भी सामने आया है कि इतने टन पत्थरों को निकालने के बाद दूर दूर तक इन पत्थरों की खोज नहीं हो पाई है, जिससे ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। मानो 4,00,000 टन पत्थर गायब ही हो गए। 4. हमारा दिमाग यह सोचकर चकरा जाता है कि कैसे पत्थरों को काटकर पहले रास्ता बनाया गया होगा, फिर उस पर नक्काशी व शिल्पकारी की गई होगी। यहाँ पूरा का पूरा एक ड्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है, बारिश के पानी को स्टोर करना, अतिरिक्त पानी को नालियों द्वारा निकालना। यहाँ छोटी से छोटी चीज को सुनियोजित तरीके से बनाया गया है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें अज्ञात बात YouTube चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।